नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। लूट और डकैती की योजना बनाते हुए 6 अपराधी गिरफ्तार हुए। जी हां, समस्तीपुर में जिले के रोसड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरिया अख्तर के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने बीती देर रात्रि में अपराध की योजना बनाते हुए आधा दर्जन अपराधियों में से 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार हसनपुर थाना क्षेत्र के मंदिर चौक के पास छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम में आधा दर्जन अपराधियों में से 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 अपराधी भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विधान थाना क्षेत्र के सीमा गांव निवासी लालन यादव पुत्र राजकिशोर उर्फ राजा, विधान थाना क्षेत्र के सीमा गांव निवासी घनश्याम यादव के पुत्र राजू यादव, खानपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर घाट निवासी तरुण साहनी के पुत्र अरविंद साहनी, खानपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर निवासी उचित दास के पुत्र राम कुमार को हथियार के साथ अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वही 2 अपराधी विधान थाना क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र अनुमोल कुमार और विधान थाना के सीमा निवासी सूरज पासवान के पुत्र संतोष पासवान भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों में राजू यादव अरविंद साहनी का लंबा आपराधिक इतिहास पाया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 अन्य अपराध में शामिल अभियुक्त विधान थाना क्षेत्र के सीमा निवासी दिनेश यादव के पुत्र दिलखुश कुमार और हसनपुर थाना क्षेत्र के सोहरा बसंतपुर निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र मनीष कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस की टीम ने रोसड़ा थाना में 24 जून को दंड के कांड संख्या 196/2021 मोटरसाइकिल लूट मामला, हसनपुर थाना में 28 जुलाई को दर्ज कांड 151/2021 आर्म्स एक्ट, हसनपुर थाना में 29 जुलाई को दर्ज कांड संख्या 152/2021 बकरी थाना में 20 जुलाई को दर्ज कांड संख्या में 208/2021 में 3 लाख रुपए की लूट मामले में उद्भेदन कर लिया है। मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम ने 1 देसी पिस्टल के साथ जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, कुछ 5 मोबाइल भी गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरिया अख्तर के नेतृत्व में हसनपुर थाना के पंकज कुमार, हसनपुर थाना जोगिंदर सिंह, हसनपुर थाना के विजय सिंह, समस्तीपुर डीओ के सिपाही अरविंद कुमार सहित सशक्त बल ने अहम भूमिका निभाई। यदि हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए संतोष कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। रात में 8 बजे नेतो चौक के पास मंदिर है, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई कुछ अपराधी इकट्ठे हुए हैं, डकैती की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष हसनपुर के द्वारा उसे सूचित करते हुए और वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए अपनी टीम को लेके गए और वहाँ से 4 अपराधियों को पकड़ा गया हथियार के साथ, जिसमें 2 अपराधी भागने में सफल रहे। वो 2 अपराधी भाग गए। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 2 सिहमा के रहने वाले हैं और 2 खानपुर के रहने वाले थाना क्षेत्र के। एक जो है राजू यादव जो सिहमा विधान थाने का है, दूसरा जो है राजकिशोर यादव वो भी सिहमा विधान का रहने वाला है, तीसरा जो है अरविंद सहनी जो हरिपुर घाट खानपुर का रहने वाला है, एक राम कुमार है वो भी हरिपुर घाट खानपुर का रहने वाला है, और 2 लड़के अनमोल और संतोष पासवान ये दोनों फिरार पाए गए। इन लोगों की तलाश हम लोगों को कई कांडों में थी और इनके निशानदेही पे एक 23 तारीख की घटना है मब्बी में, एक फिनांस कर्मी के साथ लूटपाट की घटना हुई थी जिसमें वो उसका पैसा तो लूट नहीं पाए थे लेकिन बाइक अपाचे ब्लू रंग का मोटरसाइकिल थी और वही ब्लू रंग का मोटरसाइकिल कई जगह मतलब घटना में इस्तेमाल किया गया है। और ये ब्लू रंग का मोटरसाइकिल जो है अनमोल यादव है जो विधान का रहने वाला है सीमा के, तो वही उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहा था, कई कांडों में इस्तेमाल किया था और वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई अपाचे मोटरसाइकिल। अब दूसरा जो है एक घटना हुई थी आपको देवधा में जो एक ये MR है वो गोली मार दिया गया था जो समस्तीपुर के रहने वाले थे, तो इसमें से एक जुवेनाइल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है दिलकुश कुमार, हम लोग उसको JJP में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उस घटना में जो गोली चलाने वाला था वो संतोष पासवान था और जो मोटरसाइकिल चला रहा था ब्लू रंग का अपाचे वही अपाचे जो मब्बी से लूटा गया था वो अपाचे जो है बरामद हो गया है और अनमोल यादव उसको चला रहा था, एक वो उद्भेदन हो गया, मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई।
मब्बी का, और जो लूटा हुआ मोबाइल था वो भी बरामद हो गया, जो जो वहाँ से देवधा में जो लूट मतलब लूट हुआ था, तो वो हमको मोबाइल भी बरामद हो चुका है। फिर एक 28 तारीख को एक सुबह में काले ढाला के पास एक HF डीलक्स लूट लिया गया था मोटरसाइकिल, तो उसे भी बरामद कर लिया गया है, और मतलब उसके दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। ठीक है, फिर ये जो है एक उसमें राजकिशोर है, वो हमारे कांड में नहीं है, लेकिन एक 20 तारीख को घटना हुई थी वहाँ CSP की यहाँ पे बखरी में, तो उन लोगों ने 3 लाख रुपए का लूट किया था, जिसमें वही राजकिशोर यादव हमको पकड़ा गया है। उसमें सुरहा बसंतपुर का ये अभियुक्त क्या नाम उसका रुस्तम जो है, रुस्तम अभी 8 अगस्त 2020 को वो जेल गया था मर्डर केस में, रुस्तम सुरहा बसंतपुर का, और 7 मार्च 2021 को जेल से छूट गया है। और एक और नाम बताया सज्जन या साजन करके यहाँ का सखुआ का, लेकिन वो वेरीफाई भी हो नहीं पाया है, अब रुस्तम के पकड़ाने के बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि क्या है। अंदर जिले में भी सर इस पर प्राथमिकी दर्ज है क्या दूसरे थाना में? नहीं, अभी तो ये जो अरविंद सैनी है एक बार रोसड़ा से जेल जा चुका है मोटरसाइकिल चोरी में नवंबर 2020 में, और खानपुर से भी मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है। और जो राजू यादव है वो गोलीबारी का कांड हुआ था बिथान में मार्च 2020 में, उसमें जेल गया है, और एक लूट के केस में जेल गया है। और इसमें एक और ये इस घटना से अलग है, वो मनीष नाम का एक लड़का है, वो चोरी मोटरसाइकिल चोरी केस में फरार चल रहा है।